दोस्तों आप एकदम ध्यान से सुनिएगा, जी जर्मन शेफर्ड का टेल नीचे की बजाय ऊपर की तरफ राउंड हो, कि जर्मन शेफर्ड की टेल किस वजह से राउंड हो जाती है, उनकी टेल राउंड होने के पीछे का रीजन क्या है, और जी जर्मन शेफर्ड की टेल नीचे राउंड हो जाती है। दोस्तों मैं शुरू से लेकर अभी तक मैं यूट्यूब में जितनी भी वीडियोस बनाया हूँ उसमें से मैं ज्यादातर वीडियो जर्मन शेफर्ड की प्योरिटी के ऊपर ही बनाया हूँ। फिर भी दोस्तों मेरे से कुछ लोग जर्मन शेफर्ड की प्योरिटी को लेकर एक सवाल हमेशा पूछते हैं, और मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ आप लोग के दिमाग में वो सवाल कभी न कभी तो आया ही होगा। वो सवाल ये है कि कुछ जर्मन शेफर्ड की टेल आप देखे होंगे उनकी टेल एकदम स्ट्रेट होती है, लेकिन कुछ जर्मन शेफर्ड की टेल नीचे राउंड की हो जाती है, एकदम सर्कुलर पोजीशन की हो जाती है, उनका टेल राउंड होने के पीछे का रीजन क्या होता है, और जिस जर्मन शेफर्ड की टेल नीचे से राउंड हो जाती है क्या वैसे जर्मन शेफर्ड प्योर ब्रीड कैटेगरी में आते हैं कि वो मिक्स ब्रीड कैटेगरी में आते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही जर्मन शेफर्ड के टेल को लेकर मेरे से ज्यादातर लोग यही सवाल पूछते हैं, तो इसीलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ कि जर्मन शेफर्ड की टेल किस वजह से राउंड हो जाती है, उनकी टेल राउंड होने के पीछे का रीजन क्या है, और जिस जर्मन शेफर्ड की टेल नीचे राउंड हो जाती है क्या वैसे जर्मन शेफर्ड प्योर ब्रीड कैटेगरी में आते हैं कि वो मिक्स ब्रीड कैटेगरी में आते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही बहुत सारे सवाल का जवाब मैं आपको आज की इस वीडियो में देने वाला हूँ, तो वीडियो प्यार एंड तक बनी रहेगा। और अगर आपको जर्मन शेफर्ड के टेल को लेकर किसी भी तरीके का डाउट है तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों राइट टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए जर्मन शेफर्ड के ज्यादातर दो कारण की वजह से टेल राउंड होते हैं। जो पहला कारण है वो ये है कि अगर आपका जर्मन शेफर्ड किसी दूसरे डॉग को देख के कंटिन्यूअस भूखे पड़ा है, लगातार भूखे ही पड़ा है, रुक ही नहीं रहा है, तो उस केस में भी दोस्तों उसका टेल नीचे से राउंड हो सकता है। या फिर दोस्तों अगर आप अपने जर्मन शेफर्ड को बॉल से खिला रहे हैं, अगर आप बॉल फेंक रहे हैं, आपका जर्मन शेफर्ड बॉल लेके आ रहा है, तो खेलने के एक्साइटमेंट की वजह से भी दोस्तों आपके जर्मन शेफर्ड का टेल नीचे से राउंड हो सकता है। तो दोस्तों इस केस में आपको बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, जब आपका जर्मन शेफर्ड खेल के थक जाएगा या फिर अगर आपका जर्मन शेफर्ड किसी दूसरे डॉग को भोंक रहा है तब वो भोंक के अगर थक जाएगा तो उसका टेल दोस्तों ऑटोमेटिक से नीचे की तरफ से झुक जाएगा। इसमें दोस्तों आपको बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, ऐसे जर्मन शेफर्ड दोस्तों 101% प्योर ब्रीड कैटेगरी में ही आते हैं। तो दोस्तों ये था पहला कारण जर्मन शेफर्ड टेल राउंड होने का। अब दोस्तों जो दूसरा कारण है वो है जेनेटिक फॉल्ट। दोस्तों जिस जर्मन शेफर्ड का टेल ऊपर से सीधा हो, ऊपर से एकदम स्ट्रेट हो, लेकिन नीचे से हल्का सा राउंड हो, नीचे सर्कुलर पोजीशन हो, तो दोस्तों इसका मतलब कि उस जर्मन शेफर्ड के मदर फादर या फिर उसके फादर के फादर या फिर उसके फादर के फादर के फादर, मतलब कि दोस्तों उसके पीढ़ी में किसी न किसी जर्मन शेफर्ड का टेल नीचे राउंड हुआ होगा, जिस वजह से दोस्तों उस जर्मन शेफर्ड का टेल नीचे से राउंड हुआ है। और दोस्तों इसी को बोलते हैं हम जेनेटिक फॉल्ट। जेनेटिक फॉल्ट हम किसे बोलते हैं? जेनेटिक फॉल्ट हम इसी को बोलते हैं, जैसे कि दोस्तों कोई एक जर्मन शेफर्ड है और उस जर्मन शेफर्ड का टेल नीचे से राउंड है, एक उसका सर्कुलर पोजीशन है, या फिर दोस्तों उसके पैर के नीचे वाइट स्पॉट है, तो दोस्तों उस जर्मन शेफर्ड की आने वाली जितनी भी पीढ़ी होंगी, उस जर्मन शेफर्ड के आने वाले जितने भी बच्चे होंगे, उनका भी दोस्तों टेल नीचे से राउंड हो सकता है, या फिर दोस्तों उस जर्मन शेफर्ड के पैर के नीचे भी वाइट स्पॉट आ सकता है, और दोस्तों इसी को हम बोलते हैं जेनेटिक फॉल्ट। अब दोस्तों मेन बात यह आती है कि क्या ऐसे जर्मन शेफर्ड प्योर ब्रीड कैटेगरी में आते हैं कि वो मिक्स ब्रीड कैटेगरी में आते हैं? तो दोस्तों देखिए ऐसे जर्मन शेफर्ड 101% प्योर ब्रीड कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि दोस्तों ऐसे जर्मन शेफर्ड के मदर और फादर दोनों ही प्योर जर्मन शेफर्ड होते हैं, जिस वजह से दोस्तों ऐसे जर्मन शेफर्ड प्योर ब्रीड कैटेगरी आते हैं। बाकी दोस्तों देखिए ऐसे जर्मन शेफर्ड का कुछ जेनेटिक फॉल्ट होता है जिस वजह से उनका टेल नीचे से राउंड हो जाता है, तो इसमें आपको बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपके जर्मन शेफर्ड का टेल नीचे से राउंड हुआ है तो आप ज्यादा घबराइए मत, क्योंकि दोस्तों ऐसे जर्मन शेफर्ड 101% प्योर ब्रीड कैटेगरी में ही आते हैं, तो आपको दोस्तों बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों ये था जेनेटिक फॉल्ट। अब दोस्तों जिस जर्मन शेफर्ड का टेल नीचे की बजाय ऊपर की तरफ राउंड हो, दोस्तों आप एकदम ध्यान से सुनिएगा, जी जर्मन शेफर्ड का टेल नीचे की बजाय ऊपर की तरफ राउंड हो, दोस्तों आपको जेनेटिक फॉल्ट में क्या बताया था? जेनेटिक फॉल्ट में दोस्तों क्या होता है, टेल ऊपर से सीधा होता है लेकिन नीचे से हल्का सा राउंड होता है। लेकिन दोस्तों जी जर्मन शेफर्ड का टेल नीचे की बजाय ऊपर की तरफ राउंड हो, जैसे दोस्तों आप पग डॉग देखिए, पग का टेल कैसा होता है? पग का टेल ऊपर की तरफ से राउंड होता है, एक डबल ट्विस्ट में होता है। तो दोस्तों जी जर्मन शेफर्ड का टेल ऊपर से राउंड हो, ऊपर की तरफ से सर्कुलर पोजीशन में हो, तो दोस्तों आप समझ जाए कि वो जर्मन शेफर्ड एक मिक्स ब्रीड का जर्मन शेफर्ड है। कहीं ना कहीं दोस्तों वो जर्मन शेफर्ड किसी और डॉग ब्रीड का मिक्स ब्रीड है, या फिर दोस्तों वो रॉटवीलर का मिक्स ब्रीड है, या फिर वो स्ट्रीट डॉग का मिक्स ब्रीड है। कहीं ना कहीं दोस्तों वो किसी और डॉग ब्रीड का मिक्स ब्रीड है, जिस वजह से उस जर्मन शेफर्ड का टेल ऊपर तरफ से राउंड हो गया है। तो दोस्तों अगर आपके सामने कोई जर्मन शेफर्ड का डॉग दिखे, अगर उसका टेल ऊपर की तरफ से राउंड हो, तो आप आंख बंद करिए, आप समझ जाइए कि वो जर्मन शेफर्ड एक मिक्स ब्रीड का जर्मन शेफर्ड है। लेकिन दोस्तों जिस जर्मन शेफर्ड का टेल ऊपर से स्ट्रेट हो लेकिन नीचे से हल्का सा राउंड हो, तो आप समझ जाइए दोस्तों वो एक प्योर ब्रीड का जर्मन शेफर्ड है। कहीं ना कहीं दोस्तों कुछ उसका जेनेटिक फॉल्ट है जिस वजह से उसका टेल थोड़ा सा नीचे से राउंड हो गया है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और मेरे से बहुत सारे लोग दोस्तों कमेंट कर रहे थे, बहुत सारे लोग मेरे से पूछ रहे थे कि जो जर्मन शेफर्ड का टेल होता है वो नीचे से राउंड क्यों होता है, उसका टेल राउंड होने के पीछे का रीजन क्या होता है।
तो मैं आपको सारा रीजन बता दिया हूँ, सारा कुछ आपको आज की इस वीडियो में बता दिया हूँ। और मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको आज का वीडियो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, आपको भी इस वीडियो से बहुत अच्छा खासा इन्फॉर्मेशन मिला होगा, वीडियो में बहुत ज्यादा आपको मजा आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो मजा आया हो तो वीडियो को एक लाइक बटन दबा दीजिएगा, चैनल पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को हिट जरूर कर दीजिएगा, ताकि दोस्तों हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और हो सके यार तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। बाकी मिलते रहेंगे हम ऐसे ही प्यारे प्यारे वीडियोस में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।